अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम जो है लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे बेनिफिट फॉर कंट्रोलिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के बेनिफिट क्या होते हैं असर्टिवनेस के। आज हम करेंगे यहाँ से क्लास को स्टार्ट, गेट ऑर्गेनाइज। पुअर ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस। वो तमाम लोग जो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन पुअर होती है, ये मेन रीजन होती है उनके वैरायटी ऑफ स्ट्रेस के लिए। स्ट्रक्चर अप्रोचेस ऑफर सिक्योरिटी अगेंस्ट आउट ऑफ द ब्लू प्रॉब्लम्स। प्रायोरिटाइजिंग ऑब्जेक्टिव ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज मेक देम मैनेजेबल एंड अचीवेबल एंड डोंट ओवरलोड योर माइंड। ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प अवॉइड पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉज। जब कोई इंसान अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है तो वो अपनी प्रायोरिटी सेट करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करता है, वो अपनी ड्यूटीज को अंडरस्टैंड करता है और वो फिर अपने आप को मैनेज करने की कंडीशन में होता है कि उसे क्या चीज़ पहले अचीव करनी है, क्या चीज़ बाद में अचीव करनी है, क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, किसकी और इम्पोर्टेंस कम है। और जब वो इन तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेता है तो इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप अपनी अचीवमेंट का सिलसिला जारी रखता है। लेकिन अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करें तो हम प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पाते, और जब हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पाते तो हमारे लिए क्या पहले क्या बाद में, क्या नेसेसरी क्या कम नेसेसरी, ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान का माइंड जो है वो ओवरलोड हो जाता है। और ये माइंड की जो ओवरलोडिंग है, माइंड पे जो प्रेशर है, ये आपके लिए एक वैरायटी ऑफ स्ट्रेस का सबब बनता है और जिससे आप अपने प्रोफेशनल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं। तो सबसे बुनियादी एक जो स्ट्रेस से बचने का रीज़न है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस से बचते चले जाएंगे। एक और हमारे पास टूल है स्ट्रेस से बचने का, वो है टाइम मैनेजमेंट। मेक अ लिस्ट व्हाट मस्ट बी डन, व्हाट शुड बी डन, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, कट आउट टाइम वेस्टिंग, लर्न टू ड्रॉप अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो जो कामयाब और वेल सक्सेस लोग होते हैं उनकी कामयाबी में जो सबसे अहम रोल होता है वो उनकी टाइम मैनेजमेंट का होता है। और टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम एक लिस्ट डेवलप करते हैं कि हमें अपकमिंग टाइम के अंदर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर आने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक में हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। फिर हम उसके बाद व्हाट मस्ट बी डन, उसमें वो लिस्ट के अंदर वो कौन सी चीज़ें जिनका करना बहुत ज़रूरी है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कौन सी चीज़ें जिनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन छोड़ा जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए वो उसके हम उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं ये भी हम उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हम अपने वेस्टिंग टाइम को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इंसान जो अपना टाइम एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल टाइम अननेसेसरी एक्टिविटीज में ज़ाया करता है और इसका उसे रियलाइजेशन नहीं होती, वो उसकी रियलाइजेशन होती है और फिर वो उस टाइम को वेस्ट करने में उस टाइम को वेस्ट करने से बच जाता है। तो कट आउट द टाइम वेस्टिंग एंड देन ड्रॉप अप अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, और वो तमाम गैर जरूरी एक्टिविटीज को कम कर देना, ख़त्म कर देना जो आपके लिए अनबेनिफिशरी हैं, यूजलेस हैं, जिनका कोई आपको बेनिफिट हासिल नहीं होने वाला। से नो और डेलीगेट, और आप अननेसेसरी जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बेयर नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट नहीं करें। आपको यहाँ बहुत सारी डायमेंशन में यस यूज़ करना है, वहाँ नो भी यूज़ करना है, और डेलीगेट्स करें आगे दूसरों तक भी ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से बेयर कर सकें। प्लान योर डे, सेट अचीवेबल गोल्स। आप अपने डे को प्लान करें कि सुबह से शाम तक में आपको वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म करनी है, वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीव करने हैं। सेट अचीवेबल गोल्स, और आप पॉसिबल गोल्स को डिटरमाइन करें जिनको आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं।
डोंट वेस्ट टाइम मेकिंग एक्सक्यूज एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग समथिंग. आप अपने एक्सपेंसिव टाइम को जो है जाया नहीं करें ड्यूरिंग द एक्सक्यूजेस और कुछ ना करके. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है. तो कंटिन्यूसली अपनी प्रोग्रेस और एक्टिविटी को जारी और सारी रखें. अब हमारे पास स्ट्रेस से बचने का जो तरीका है वो है वेंटिलेशन. अ प्रॉब्लम शेयर इज अ प्रॉब्लम हेल्प्ड. डिवेलप अ सपोर्ट नेटवर्क थ्रू आउट द फ्रेंड्स और कॉलेजेस टू टॉक विद. इट इज नॉट ऑलवेज इवन दैट आर स्ट्रेसफुल बट हाउ वी परसीव देम. इंसान की जो वेंटिलेशन है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है. वेंटिलेशन में जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को अपनी उस प्रॉब्लम से होने वाले स्ट्रेस को और अपनी वर्स कंडीशन को जो है वो शेयर करें डिफरेंट अपने लोगों के साथ. उसमें आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉलेजेस हो सकते हैं. आप इनके साथ जब अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इससे आपका बहुत सारा प्रेशर इनिशियल स्टेज पे कम हो जाता है. और फिर जब वो डिस्कशन फ्रूटफुल होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऐसे में जब आप सही कंसर्न से डिस्कशन करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं. तो ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में एक अहम रीज़न बनता है. राइटिंग अ डायरी और नोट्स में हेल्प रिलीज फीलिंग्स बट डोंट re-read what has been written. इंसान को चाहिए कि अपनी लाइफ डेली लाइफ के अंदर जो अपनी डायरीज मेंटेन करे, डायरीज लिखे, नोट्स लिखे, लेकिन इन लिखने के बाद इनको अगेन एंड अगेन रीडिंग से बचे क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम का सबब बनेगा. तो ये भी एक तरीका कार है वेंटिलेशन का कि अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो आप अपने फीलिंग्स और अपने कंडीशन और अपने सर्कमस्टेंसेस को इलस्ट्रेट करें ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में. गुड स्ट्रेस रिड्यूसर्स. हम जो है अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. अप्लाई एट होम एंड वर्क. अब हम मोड्स को अपने अप्लाई कर सकते हैं घर पर या अपने वर्क पर. रिलीज मस्कुलर टेंशंस. हम रिलीज कर सकते हैं अपनी मस्कुलर टेंशन को. इम्प्रूव ब्रीथिंग. हम अपनी सांस को ब्रीथिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. पम्प्स एंड एंडोर्फिन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. द बॉडी न्यूट्रल्स एंड पेन किलर्स. आप डिफरेंट पेन किलर्स को यूज़ करके डिफरेंट मेडिसिन के जरिए अपनी वर्स कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस तरह जो है हम अपने मुख्तलिफ मेडिकेशन के जरिए जो हार्मोन्स के जरिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे डाइवर्जन एंड डिस्ट्रक्शंस. डाइवर्जन एंड डिस्ट्रक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल और मैनेज करने का. इसमें पहला है टेक अ टाइम आउट. इंसान को चाहिए कि वो अपना कुछ ना कुछ वक्त जो है बाहर गुजारे, यानी अपनी रूटीन से हट के किसी सेपरेट एनवायरनमेंट में, किसी सेपरेट एटमॉस्फेयर में जाए. गेट अवे फ्रॉम द थिंग दैट बॉदर यू. और वो तमाम उन चीज़ों से निकले जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल या डिफरेंट नौयत के स्ट्रेस फील हो रहे हैं, उनसे वो बाहर निकले. डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. जब वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पा रहे हो, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल. अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करें. काम डाउन, पुरसकून रहें, एग्रेसिव होने से बचें. एंड थिंक लॉजिकली. और अपनी सोच को जो है वो लॉजिकल रखें. जितना इंसान लॉजिकली सोचता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है. चेंज योर लाइफ स्टाइल. अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाए. डाइट, अपने डाइट को मैनेज करें, कंट्रोल करें. डाइट का आपके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी ओवरऑल कॉम्पिटेंसीज के अंदर. स्मोकिंग एंड अल्कोहल. स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो है ये इसको एक लेवल पे कंट्रोल करें. एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज डेली रूटीन में शामिल करें और एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली जो है रिफ्रेश और रिक्रिएट करें। सफिशेंट स्लीप, आपकी जो नींद होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर स्लीप आपकी पूरी नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ये खुद इटसेल्फ एक स्ट्रेस का सबब बनेगा। लेजर टाइम, अपने फ्री वक्त को मुख्तलिफ रेस्ट एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज में गुजारें ताकि आपके अंदर जो है मोटिवेशन पैदा हो। और रिलैक्सेशन आपको कभी कंप्रोमाइज ना करें, अपने आप को जब कभी अपॉर्चुनिटी हो तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। मेंटली और फिजिकली दोनों रिलैक्सेशन इंसान के लिए जरूरी है। अब डाइट की अगर बात करते हैं, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, कॉफीन, एस्ट्रोमिनेट, साल्ट, तो आप अपनी जो ईटिंग्स हैं उनको हेल्थी रखें। वो तमाम फूड्स आपकी खुराक में शामिल होने चाहिए जो हेल्थी हैं, जो आपके लिए फेवरेबल है, मुझे सेहत ना हो। स्मोकिंग एंड अल्कोहल स्टॉप, और एटलीस्ट योर कंजम्पशन टू बियर मिनिमम। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग को गिव अप नहीं कर सकते तो उसे मिनिमम लेवल पे ले आए। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, यूजेस अप एक्सेसिव एनर्जी रिलीज बाय द फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर मुख्तलिफ नौइयत की एनर्जीज आती हैं जो आपकी फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन को रिफ्लेक्ट करती हैं। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है जिससे आपके तमाम ऑर्गन्स को जो है सपोर्ट मिलती है। लोअर्स ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एक मेंटेन लेवल पर रहता है। उसके बाद क्लियर द माइंड ऑफ द वरिंग थॉट्स, आपका माइंड जो है वरिंग थॉट से बचता है और क्लियर होता है। इम्प्रूव सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ इमेज बेहतर होता है। मेक योर फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में खुद जो फील करते हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बेहतर पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज सोशल कॉन्टेक्ट, और आपके जो सबसे इंसान की बेसिक नीड है सोशल नीड, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, सोशल कॉन्टेक्ट इम्प्रूव होते हैं। अब अगर हम स्लीप की बात करें, गुड स्ट्रेस रिड्यूसर, स्लीप जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा सफिशियंट स्लीप बहुत अहम रोल प्ले करती है। डिफिकल्ट टू कोप व्हेन ट्राई वेक रिफ्रेश आफ्टर नाइट अ स्लीप, प्लेंटी ऑफ डे टाइम एनर्जी। तो ये वो तमाम है जो आप अपनी स्लीप्स को हैंडल और मैनेज कर सकते हैं जिससे आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। लेजर्स के अंदर इंटरेस्ट गिव यू ब्रेक फ्रॉम द स्ट्रेस, प्रोवाइड आउटलेट फॉर रिलीफ एंड प्रोवाइड सोशल कॉन्टेक्ट। तो आप जो है अपने इंटरेस्ट को फोकस करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उन एक्टिविटी में एंगेज हो। गिव योर ब्रेक फ्रॉम अपने स्ट्रेस से बाहर निकलें, ब्रेक के उसमें ब्रेक करें, कंटिन्यूसली उस बारे में ना सोचें। प्रोवाइड आउटलेट फॉर द रिलीफ, आप अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश करें और अपने सोशल कांटेक्ट को मेंटेन करें। लेजर टाइम में बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन, बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन में लोअर ब्लड प्रेशर। जब आप रिलैक्सेशन होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचता है इंसान। कंबाइंड फैक्टर्स प्रमोट स्लीप, रिड्यूस पेन एंड इजी मस्कुलर टेंशन। तो आप इन तरह की तमाम जो है पेन से बच जाते हैं, आपकी स्लीप कंफर्टेबल हो जाती है, टाइम पे आपको नींद आना शुरू हो जाती है और आपकी जो मस्कुलर टेंशन है वो रेज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। डिक्रीजेस मेंटल वरीज, आपकी मेंटल वरीज जो है वो तेजी से कम होगी। इंक्रीज कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ेगा टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। इंक्रीज क्लियर थिंकिंग, और आपको चीजें जो है बेहतर तौर पे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अल्टरनेटिव्स के अंदर हमारे पास आते हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, कन्वेंशनल मेडिसन्स, आप कन्वेंशनल मेडिसन को यूज कर सकते हैं।
काउंसिलिंग्स एंड साइकोथेरापी आप मुख्तलिफ थेरापीज के जरिए आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन रिलैक्स कर देते हैं, मेडिटेशंस मुख्तलिफ मेडिटेशन मराकबे के जरिए आप अपने आप को रिक्रिएट और रिफ्रेश कर सकते हैं, मैसेज मसाजेस योगा एंड अक्यूपेंचर, ये तमाम हमारे पास वो ऑप्शन है जिसको हम ऑल्टरनेटिवली अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस यूज करके अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। समरी, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिशन, अ वे टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड अल्टरनेटिव। तो इसमें हमने देखा कि स्ट्रेस की कॉजेज क्या होती है, इसमें हमने देखा हाउ टू आइडेंटिफाई, किस तरह स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर हमने देखा वे टू कंट्रोल, हम कौन से टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करके स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर हमने देखा अल्टरनेटिव मेथड और हमारे अल्टरनेटिव मेथड्स क्या होते हैं जिनके जरिए हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा लेक्चर जो है ये सेक्शन स्ट्रेस मैनेजमेंट का ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है नई क्लास का स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।